नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं अनिकेत ब्लॉग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि थंबनेल एंड टाइटल पढ़ लिया होगा, तो आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे थोड़ा घूमने के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम मिलता है, क्या होता है, कितना दूर हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग के साथ और एक भैया जाएगा, तो ब्लॉग में देखते रहिए आगे क्या होता है, कौन जाएगा। तो उस भैया को हम लोग मीट करेंगे नारंगी साइड पर। तो और आज का ब्लॉग ऐसा टाइप का बनने वाला हो कि लाइक हम लोग आज कैसा होता है एक्सपीरियंस कहेंगे कि R15 V3 पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन R15 V3, तो कैसा लगता है उसमें एंड अच्छा है कि नहीं, क्या सस्पेंशन कैसा है, वो सब क्या है। तो ऐसा टाइप का एक वीडियो बना रहा हूँ या छोटा एक ब्लॉग बना रहा हूँ, तो देख लीजिए, लेट्स गो। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आपका भेतापाड़ा। तो इधर से हम लोग जाएंगे आपका करीब नारंगी साइड। तो इसके बाद देखते हैं हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रिप है, तो थोड़ा दूर तक जाने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन देखते हैं हम लोग का टाइम कितना मिलता है। तो अभी हम लोग जाएंगे टिल नारंगी, देन अभी 6 माइल पे है, तो नारंगी तक हम लोग जा रहे हैं। अभी उधर जाके फिर देखते हैं हम लोग कह रहे हैं। तो आज का ये ब्लॉग मज़ेदार होने वाला है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, देखते रहिए। आते आते हम लोग पहुंच चुके हैं आपका नारंगी टिनी अली। सो नारंगी टिनी अली से हम लोग जाएंगे तिल पोबिटोरा तक हम लोग जाएंगे शायद, तो देखते हैं कितना जा सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका पोबिटोरा 32 किलोमीटर है, और इधर ही हम लोग भैया को मीट करेंगे, जो भैया हम लोग कैसे जाएगा। तो चलिए मिलते हैं उनसे। भैया भी जाएंगे, तो भैया आपका नाम नाम। तो भैया से हम लोग बाद में इंटरेक्शन फिर ले लेंगे अच्छे से। तो अभी भैया भी हम लोग के चले, तो चलिए चलते हैं हम लोग। और भैया भी है, हे ब्रो, हे व्हाट्स अप, तो लेट्स गो। और आते आते हम लोग आपका असम रोड फेयरिंग लिमिटेड हम लोग पहुंच गए, जो आपका चंद्रपुर रोड पे है, और कुछ ही देर बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आपका पोबिटोरा। तो अराउंड इधर शायद आपका 30 या 32 किलोमीटर्स है, तो मिलते हैं हम पोबिटोरा पे। और ये एंटॉक आगे निकलते हुए R15 को ये और संदीप भाई आगे ही निकल गया, तो कोई नहीं, फिर हम लोग अभी क्रॉस करते हैं हम लोग। हाँ हेलो भैया, चलो बाय बाय, हम लोग आगे निकल गए। अरे और हम लोग चले आगे आगे, भैया चले पीछे पीछे, तो चलिए चलते हैं। तो ऐसे आते आते ऑलमोस्ट 21 और 22 किलोमीटर्स पर हम लोग पानी खेती पहुँचे। तो उधर मैं प्रांदीप भैया के स्कूटी पे चलाया, क्योंकि मेरा बैक पे बहुत पेन हो रहा था। तो इट्स नॉट गुड फॉर लॉन्ग राइड, क्योंकि ये देखिए ये रहा आपका R15। तो इसमें बैक साइड का जो सीट है ना, उसमें बैठने से आपका ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन लॉन्ग राइड पर मुझे, मेरा एक्सपीरियंस, मुझे थोड़ा बैक पेन होना शुरू हो गया, फिर पिछवाड़ा पर भी बहुत दर्द हो रहा था, तो इसीलिए तो देख सकते हैं अभी मैं एंटॉक पे बैठा हुआ हूँ प्रांदीप भैया के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है, फिर जाऊँगा उसमें R15 में, फिर से बैठूंगा बाद में। तो ये देखिए व्यू है, यो। और ऐसे आते आते फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं आपका, देख सकते हैं, पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इससे और अंदर जाना है, थोड़ा बहुत थोड़ा बाकी है, तो अंदर जाके फिर हम लोग पहुँचेंगे मेन गेट। और ये क्या है, अच्छा कुछ रेस्टोरेंट है शायद, अभी बंद है। आए थे इधर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना के लिए, आपको जैसे ही देख सकते हैं अभी कोरोना के लिए बंद है, तो इसीलिए अभी हम लोग अंदर नहीं जा सकेंगे, लेकिन तभी फिर कभी आने के लिए ट्राई करेंगे। और आज ऐसे बाइक भी खरीदा था, उसको सर्विसिंग करना है ना, तो इसीलिए थोड़ा
भगवाना है ना बाइक को, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी सर्विसिंग करने के लिए थोड़ा माइलेज मतलब किलोमीटर्स ड्राइव होता तो इसीलिए आया था। और ऐसे भी अच्छा लगा जाके, बहुत एक आउटिंग हुआ तो एक ब्लॉग भी बना लिया आने से, वो भी एक अच्छा हुआ कि एक ब्लॉग भी बना लिया। तो अभी फिर से चलते 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 और ऐसे आते हुए बैक रिटर्न, मुँह पे मास्क, आग पे चश्मा और ऊपर टोपी पहनते हुए स्वैग स्टाइल पे हम लोग जा रहे हैं रिटर्न। हम लोग अभी थोड़ा सामने एक दुकान है तो उस दुकान पे जाके हम लोग पूछेंगे कि अभी कैसा हालचाल है, क्या चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, पूछ लेते हैं उनसे थोड़ा अभी कैसा हो रहा है सिचुएशन क्या। तो हम लोग दुकान पे रुके हैं तो पूछ लेते हैं। तो वर्तमान अपना इतना हेरी के नुकवा सेल এটা আপোনাৰ বৰ্তমান তো এই কৰোনা সন লকডাউন সকডাউন হৈ আছে। এটা ভালে হৈ আছে, অলপ ভালে হৈ আছে। মানে বৰ আগত যেনেকৈ আছিল একদম এইবিলাক কৰোনা লকডাউন এইবিলাক হোৱাৰ আগত যোনটো আছিলে এতিয়া আৰু ভাল আছে। মানে এতিয়া অকণ কমিছে, এতিয়া কমিছে। তো বৰ্তমানে কি অৱস্থাটো কেনেকুৱা টাইপ আপোনালোকৰ? আমাৰ এতিয়া মানে যিবিলাক মাল আছিল তাৰমানে সেইবিলাকতো প্ৰায় শেষেই হৈ গ'ল। হয়, কৰোনা সময়ত তাৰপিছতে মাল নাইকিয়া হৈ গ'ল। মাল নোহোৱা অৱস্থাত মাল গ্ৰাহকে বিচাৰিলে দিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হৈছিল। মানে অসুবিধা হৈছে আৰু তাৰপৰা পইচা পায়ো ধৰক কিছু তাৰমানে এতিয়া কমি গ'ল। আগত বেচা বিক্ৰী যিমান আছে সেইটো বিক্ৰী লৈ আমি মালটো আনো, আকৌ সেই হিচাপে বিক্ৰী কৰোঁ। এতিয়া পইচাও কমি গ'ল, মালো মানে নাইকিয়া হ'ল। বৰ্তমান যেনেকৈ এতিয়া বানপানীৰ চিটুৱেশ্যন হয় ন, তো বানপানী এতিয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বানপানী হৈছে। আৰু অসমত আপোনাৰ চবে এতিয়া মানে বানপানী চবতে চব জেগাতে প্ৰায় বানপানী হৈছে। তো বৰ্তমান ইয়াত আপোনাৰ বানপানী চানপানী হৈছে নে নাই? বানপানীটো হৈছে, ঘৰত গোটেই ঘৰে পানী হৈছে, গোটেই ঘৰৰ ভিতৰতে পানী সোমাই গৈছে। আপোনাৰ বৰ্তমান কষ্ট হৈছে এতিয়া? কষ্ট বহুত, মানে পানী ওলাব নোৱাৰো, সোমাব নোৱাৰো, মানুহ যাতায়াতটো কমি নাই, যাতায়াতো বন্ধ হৈ গ'ল। সেইটোৱে, তাতে বেচা বিক্ৰী আগতকৈ কমি গ'ল, মানে চলাত বহুত অসুবিধাই হৈ গ'ল। তেনেকে চলি থাকিব লাগিব আৰু, দুখীয়া মানুহ যেতিয়া উপায়টো নাই নাই সেইটোৱে। তেতিয়া আশা কৰিছো ভাল হ'ব এইবোৰ, যদি লকডাউনটো খুলিছে এতিয়া বৰ্তমান ভাল হ'ব আশা আছে। বৰ্তমান এতিয়া লাহে লাহে আহিছে আৰু আগতকৈ, সেইটোৱে ভাল লাগিল। এয়া মই কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ লগত, তো ভাল লাগিল। এতিয়া বৰ্তমান একদম চিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া হৈ গৈছে। তো এতিয়া বানপানী আপোনাৰ জানে আপোনালোকে অসমত পুৰা বানপানীৰ কাৰণে, এতিয়া মানে অসম বিহাৰ পুৰা বানপানী। তো সেইকাৰণে বহুত কষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ। তেওঁলোকৰ এতিয়া দোকানতো মানুহজনো নাই, কাৰণ পবিতৰা এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে, তো মানুহবোৰ অহা যোৱা কম হৈছে। মানে এইখিনি জেগাখিনি আপোনাৰ কি কয়? এইখিনি জেগা, এইখিনি আমাৰ ৰজামায়ং বুলি কয়, ৰজামায়ং পবিতৰা। পবিতৰা এই তোমালোকৰ কোন চেনেলৰ পৰা অহা বুলি ক'লে? মই অনিকেত, অনিকেত ব্লগ, আপুনি ইউটিউবত চালে গম পাব। চেনেলৰ পৰা আমি মানে ধন্যবাদ দিছোঁ, তেনেকৈ আহি থাকিলে যাতে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু সহায় কৰে, আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু যাতে ডাঙৰ হৈ যাওঁ। মই আমি যদি সহায় পাওঁ তোমালোকক ধন্যবাদ দিলোঁ। থেংক ইউ, দিয়ক, ঠিক আছে বাৰু। तो हम लोग जब रिटर्न हो रहे थे तो ये हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आपका गोवर्धन ब्रिज। तो इसमें देख सकते हैं आपका, जस्ट लुक एट द नेचर, कितना सुंदर लग रहा है। तो एक सिनेमेटिक शॉट। पोबिटरा, लेकिन वो तो बंद ही निकला तो जा नहीं सके, तो इसलिए हम लोग थोड़ा इधर, एक आपका पिकनिक स्पॉट था तो इधर आए थे। तो इधर देख लीजिएगा आपका अच्छा सा ड्रोन टाइप शॉट। Bye.
आपका एक छोटा सा हाइपरलैप्स। अभी हम लोग इधर से निकलेंगे क्योंकि अभी शाम का आपका 5:30 हो चुका है, तो बहुत देर भी हो चुका है और अभी बारिश भी आएगा शायद। तो अभी हम लोग जाएंगे गुवाहाटी तक, तो गुवाहाटी पे जाके कुछ खा लेंगे, उधर भूख भी लगा है। तो अरे बारिश आएगा, देख सकते हैं अभी बारिश में हम लोग राइड कर रहे हैं। तो अभी ऐसे जाते जाते हम लोग फाइनली गुवाहाटी पहुँच चुके हैं। अभी गुवाहाटी पर हम लोग स्ट्रीटजा तक जाएँगे चांदमणि, तो चलिए उधर मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आपका चांदमणि एंड हम लोग ने इधर स्ट्रीटजा पे थोड़ा खा लिया क्योंकि बहुत भूख लगा था और बहुत लॉन्ग जर्नी किया है। तो पोबिटोरा से आके फिर इधर कुछ खा लिया और चलिए भैया को पूछते हैं तो कैसा था। तो भैया आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, इतना लॉन्ग जर्नी हम लोग स्कूटी बाइक लेके, तो कैसा लगा आपको? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मतलब सोचा नहीं था कि आज इतना दूर जाएगा कोरोना वायरस के वजह से, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इज ऑल गुड। एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट यू? नो डाउट बैक पेन तो इट्स लाइक बैक पेन तो जरूर ही है अगर R15 चलाएंगे तो, बट इट वाज वेरी गुड, अच्छा लगा। द व्यू वाज द सीनिक व्यू, दैट वाज वेरी गुड। ओके, आपका इंट्रो नहीं दिया था आपने पहले? हां, आपका इंट्रो दे दीजिए पहले। ठीक है। हां, आपका इंट्रो नहीं हुआ था। दिस इज आवर प्रांदीप भैया। सो गाइस, माय नेम इज प्रांदीप सेकिया, आई जस्ट पास आउट फ्रॉम असम इंजीनियरिंग कॉलेज। सो टुडे वी गेदर हियर and meet and just we go around a small trip. Actually engineer sahab hai na, isliye aisa kuch nahi, so it was very good, acha laga। और हम लोग आशा करते हैं हम लोग और कुछ rides लेके आएंगे। हां obviously, और future में हम लोग और जाएंगे घूमने के लिए। घूमना ही तो काम है ना, व्लॉग बनाना मतलब क्या है, घूमना है ना सबको। या एग्जैक्टली दैट। तो आज के साथ इसके साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। Thank you.